नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। बस्ती जिले में आरटीआई कार्यकर्ता सुदृष्ट नारायण तिवारी ने आरटीओ विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरटीआई कर बस्ती की सभी बाजारों में बाइक के सब डीलरों की जानकारी मांगी, जिसके जवाब में 7 ऑथराइज डीलरों का नाम रिजर्व्ड मिला है। इसके अलावा 2 दर्जन से ज्यादा जनपद में सभी बाइक डीलरों के सब डीलर बनाए गए हैं, जो ऑन रिकॉर्ड नहीं है। बाइक शोरूम के डीलरों ने मनमाने तरीके से जिले भर में सब डीलर बना दिए हैं। जो ये सब डीलर्स वाला मैटर है, इसकी अभी एक जांच जो है एआरटीओ के पास भेजी गई है और इसका क्या प्रावधान है, इस संबंध में जांच करके उचित कार्रवाई करी जाएगी। आगरा के ऐसे इमरजेंसी में अचानक डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री विजेश पाठक रुक गए। अचानक रुकने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य मंत्री तीमारदारों से पूछताछ करने लगे। इमरजेंसी के औचक निरीक्षण में व्यवस्थाएं टटोली गई हैं। एक मरीज को अस्पताल से बाहर निकाला था, उसे स्वास्थ्य मंत्री विजेश पाठक ने दोबारा भर्ती कराया। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए। फिरोजाबाद के शुक्राबाद थाना क्षेत्र के गांव असवा में घर में धमाके के साथ गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में लोग लगभग एक दर्जन बताए जा रहे हैं, जो कि घायल हुए हैं। भीषण धमाके से घर की दीवारों में दरारें आ गई, वहीं खिड़की दरवाजे पूरी तरह से टूट गए। पूरा मामला, ग्राम असवा निवासी संध्या देवी पत्नी प्रमोद कुशवाहा अपने घर पर गैस पर खाना बना रही थी, किसी कारण सिलेंडर में आग लग गई। आग लगते ही घर में हड़कंप मच गया। मैं EMT हूँ 108 एम्बुलेंस पे कॉल आया था कछुआ गांव से। वहाँ पे थोड़ा जले हुए लोग थे, सिलेंडर फट गया था। काफ़ी लोग, कम से कम 10-12 लोग घायल थे। उनको मैंने जिला चिकित्सालय सुखाबाद में भर्ती कराया है, उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, घटना यूँ है, आज सिलेंडर आया था नया, और सिलेंडर लगा के खाना बनाने जा रही थी और उन्होंने खाना बनाना चालू किया है, जैसे ही सिलेंडर में आग लग गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, कितने लोग घायल हैं? इसमें लोग 2-4 घायल हैं। फिर आग ज़्यादा होती चली जा रही थी, इसलिए मतलब जो है फिर लोग ज़्यादा आ गए और एक दर्जन लोग जल भी गए उसमें। अच्छा, बचाव करने के लिए बचाव के लिए गांव के लोग कूद पड़े, इसलिए एक दर्जन लोग घायल हैं। कन्नौज के मेहंदी घाट शाम के बनारस के 80 घाट जैसी नजर आई। यहां के इस ऐतिहासिक घाट पर 125 पुजारियों के साथ मंत्री एस वरुण ने मां गंगा की आरती की। करीब 1 घंटे आरती चली, जिसमें वरिष्ठ अफसरों सहित शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। इसके लिए जितने भी हमारे औद्योगिक केंद्र हैं, वहाँ पे एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं और जो हमारा पानी का प्रदूषण का स्तर है वो बहुत इम्प्रूव हुआ है। काम पूरा हो गया नहीं, अभी काम बचा हुआ है, उस पर और काम हो रहा है, जिससे कि इस प्रकार का प्रभाव ना हो। और आपको जानकारी होगी, एक बहुत अच्छी योजना इस बजट में आई है, जिसमें कि गंगा नदी के दोनों तट पर 5-5 किलोमीटर तक प्राकृतिक खेती अब की जाएगी। क्यों? जिससे कि कीटनाशक और केमिकल। आपने समाज के कई चेहरे देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे विक्रांत समाज के कुछ लोगों की करतूत के बारे में बताएंगे, जिन्होंने मानवता को शर्मसार कर दिया। हम बात कर रहे हैं यूपी के सीतापुर के थाना हरगांव इलाके के राजेपुरा गांव की, जहां तिलक समारोह हो रहा था। तिलक समारोह में नाबालिग बच्ची अपनी दादी के साथ पर्दा देखने गई थी। जहाँ पहले से पर्दा देख रहे दरिंदो ने बच्चे को 10 रुपये दिया और गुटखा मंगाया। उसके बाद दरिंदो ने बच्चे को एक गोली दी, कहा खा लो, ये हींग गोली है। बच्चे ने गोली खा ली और बच्ची बेहोश हो गई और उसे गाँव के बाहर झाड़ियों में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। आज दिनांक 14 मई को प्रभारी निरीक्षक हरगांव द्वारा बताया गया कि थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोस के मांगलिक कार्यक्रम में गई बालिका के साथ एक व्यक्ति द्वारा दिनांक 13 मई की रात्रि में दुर्व्यवहार किए जाने के संबंध में आज दिनांक 14 मई 2022 को पीड़िता के परिजनों द्वारा दी गई लिखित तहरीर के आधार पर तत्काल कठोर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटना में संलिप्त अभियुक्त के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कन्नौज में राज्य मंत्री असीम अरुण का जिला अस्पताल में छापा पड़ा। औचक छापे में स्टाफ को कैजुअल ड्रेस में मंत्री जी का पारा चढ़ गया। ड्रेस सहित आई कार्ड लगाने की मंत्री ने अस्पताल स्टाफ को निर्देश दिए हैं। अगले निरीक्षण में खामियां मिली तो कार्रवाई होगी। रात में महिला डॉक्टर ना होने का भी मंत्री के सामने मुद्दा रखा गया। मंत्री ने एसएमएस को रात में महिला डॉक्टर को रुकने के निर्देश दिए हैं। गंगा आरती से लौट रहे मंत्री अचानक जिला अस्पताल पहुंचे।
श्रावस्ती की जिलाधिकारी नेहा प्रकाश अचानक एक प्राथमिक विद्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंच गई। औचक निरीक्षण के दौरान स्कूल की सभी व्यवस्थाओं की गहराई से जायजा लिया गया। वहीं छात्र उपस्थित रजिस्टर का जायजा लेते हुए नामांकित छात्रों में स्कूल में मौजूद छात्र कम होने पर डीएम ने प्रधानाध्यापक को जमकर फटकार लगाई और पंजीकृत बच्चों को शत प्रतिशत उपस्थित सुनिश्चित कराए जाने के आदेश दिए। यही नहीं, अगर किसी भी विद्यालय में उपस्थिति से ज्यादा कम बच्चे मिले तो संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसके क्रम में थाना मल्ही पूर्व प्रभारी निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक सुरेश कुमार साहनी द्वारा थाना मलीपुर पर पंजीकृत मुकदमे की विवेचना के दौरान फर्जी अभिलेखों का प्रयोग कर सहायक अध्यापक पद पर नौकरी करने वाले अभियुक्त को पुलिस ने उसके निजी निवास से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आधी रात को बांधखाना में दहशत बरसी। घर में घुसकर दबंगों ने तोड़फोड़ की, पथराव किया और फायरिंग की। फायरिंग के बाद घर पर पेट्रोल डालकर घर को फूंक दिया। आधी रात को दबंगों ने पूरा बांधखाना इलाका तहस नहस कर दिया। दरअसल जिम में डंबल उठाने को लेकर विवाद हुआ था दोनों के बीच। ये युवक बताए जा रहे हैं जिनके बीच झगड़ा हुआ। जिम में दोस्तों ने मामले को शांत करा दिया, लेकिन जिम से लौटने के बाद एक पक्ष के परिवार वालों ने इस वारदात को अंजाम दिया। सोते हुए परिवार के घर में फायरिंग ताबड़तोड़ की है और आग लगा दी। वारदात के दौरान इलाके में हड़कंप मच गया। आग को बुझाने फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। कई लोग जख्मी हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कोडरा ग्रांट गांव के टोला इस्लाम नगर में पुलिस टीम पर एक 50 वर्षीय रोशनी नामक महिला की गोली मारकर हत्या का आरोप लगा है। पूरा मामला रात 10:30 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो गौकशी की शिकायत पर सदर थाना क्षेत्र की पुलिस गांव में गई थी, जहां ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। इसी बीच एक महिला को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। पूरे मामले की जाँच की जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले को लेकर मृतक के बेटे ने बताया कि हम सब सो रहे थे, रात में 10 बजे भारी संख्या में पर पुलिस पहुंची और मेरे भाई को उठाकर ले जाने लगी। तभी मेरी माँ पुलिस वालों से पूछने लगी कि मेरा बेटे ने क्या किया, उसे क्यों ले जा रहे हो। तो पुलिस वाले पीछे हटने के लिए बोले और गोली मार दी। रोशन ज्योत और कोडरा ग्रांट के इस्लाम नगर में गोकसी की शिकायत पर थाना सिद्धार्थ नगर की पुलिस दबिश देने गई थी, और वहाँ पे जब दबिश देने गई तो गांव वालों द्वारा जो है पुलिस टीम को घेर लिया गया और उस पत्थरबाजी की गई तथा फायरिंग की गई। जो प्राथमिक सूचना उसके अनुसार एक महिला को गोली लगी, जिसकी यहाँ पे इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। तो फायरिंग की गई किसके तरफ से फायरिंग की गई, यह अभी जांच की जा रही है, अभी कुछ तत्व प्रकाश में नहीं आया है। सर, इलाज की बात करें, लेकिन डॉक्टर का बयान है कि जो महिला आई थी वो पहले से ही डर थी। अब हमें जो अभी प्राथमिक सूचना है मैं आपकी जानकारी दे रहा हूँ, बाकी तो डॉक्टर से बातचीत करने के बाद ही। सर, परिवार के लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस उनके घर गई, उनके लड़के आज ही बम्बई से आए हैं, उनको जबरदस्ती उठाकर लाने लगी, जब उसकी मां ने रोका तब ये घटना घटी। सभी बिंदुओं पे जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा सबके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लग नहीं रहा बड़ी बड़ी एक घटना हो गई। सर, अब किसी की जान जाती है, बड़ी घटना तो होती ही है। अब सभी बिंदुओं पर जाँच की जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे के उपरांत आज दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर परिसर स्थित हिंदू शिवाश्रम में दूरदराज से आए हुए फरियादियों की एक एक कर बातों को सुनते हुए नजर आए। उनसे संबंधित अधिकारियों को उनके मामले को जल्द से जल्द निस्तारण करने का आश्वासन दिया। वहीं जनता दर्शन में अपनी जनता की समस्याएं सुन रहे थे, तभी उनकी नजर बैठी 5 माह की बच्ची पर पड़ी, जो कि पिपराइच गोरखपुर की बताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने बच्ची को खूब दुलार दिया, सिर पर हाथ फेरा और चॉकलेट मंगाकर उसे दिया। सहारनपुर के ब्लॉक मुजफ्फराबाद के ग्राम बादशाहपुर में देर रात एक छप्पर में आग लग जाने के कारण घर में रखा सारा खाने पीने का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। आग इतनी भयंकर थी कि किसी को बुझाने का मौका तक नहीं मिला। सीएम योगी आदित्यनाथ की सामूहिक विवाह योजना में इस बार 150 जोड़े दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंधेंगे। संबल में 17 मई तक सामूहिक विवाह के रजिस्ट्रेशन को आवेदन देने होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी शैलेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि सीएम की सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत इस बार 150 जोड़े के विवाह का लक्ष्य है। 27 मई को होने वाले सामूहिक विवाह को 17 मई तक नगरीय क्षेत्र में ईओ के यहाँ तथा ग्रामीण क्षेत्र में वीडियो के यहाँ आवेदन किया जा सकता है।
श्रावस्ती के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पेड़ के फंदे से लटककर मौत के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी दो दिन पहले ही गिलौला क्षेत्र के ददौड़ी गांव में खेत में लगे पेड़ के फंदे से एक युवक का लटका हुआ शव मिला था। वहीं अब थाना क्षेत्र कोना के बाईपास स्थित एक ढाबे के पीछे पेड़ से एक व्यक्ति का शव फंदे से झूलता मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मौत के कारणों की जाँच में जुटी हुई है। एक 30 वर्षीय व्यक्ति जो बबूल के पेड़ पर लटका हुआ था, उसकी बॉडी मिली है। उसकी जेब से एक पर्ची मिली है, वो साइकिल क्रय करने की पर्ची है जिस पर साबिर नाम लिखा हुआ है। बहराइच से साइकिल खरीदी गई है। इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई करके इसका नाम पता ज्ञात किया जा रहा है। मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस टी हसन का एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि देश में एक जैसी शक्ति काम कर रही है जो हमारे देश का माहौल खराब करना चाहती है, हिंदू मुस्लिम करवाना चाहती है, वो चाहे सियासी हो या कोई और फैक्टर हो। और मेरी तो सभी अधिकारियों से प्रशासन से यही कहना है कि इनकी जड़ में जाएं, आखिर ये शक्तियाँ कहाँ से कमांड कर रही हैं जो देश को कमज़ोर करना चाह रही हैं। देखिए, जो मामलात हैं सब कोर्ट के अंदर विचाराधीन हैं। जो भी कोर्ट इसमें फैसला लेगा कानून के हिसाब से, चाहे लोकल अदालत ले या उससे हाई अदालत ले या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले, जो कानून के हिसाब से सही होगा उसी को सब लोग मानेंगे। लगातार सर्वे को लेकर तो विवाद चल रहे हैं कि लोग वहाँ पे, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि पहले बाबरी मस्जिद चली गई, अब हम ज्ञानव्यापी नहीं जाने देंगे चाहे कुछ भी करना पड़ रहा। देखिए, मैं इस विवाद में पढ़ ही नहीं रहा हूँ। जब कोर्ट से अगर इंसाफ नहीं मिलता तो उसके बाद पूछिएगा। इसके अलावा ताजमहल को लेकर के एक नया विवाद जंग छिड़ गई है। वो तो हाई कोर्ट की टिप्पणी आपने सुनी। ताजमहल में देसी और विदेशी सैलानियों से ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बीते दिनों नेपाल से आई पर्यटक के साथ भी टिकट में ठगी का मामला सामने आया था। नेपाल की पर्यटकों ने पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए थे। पुरातत्व विभाग ने ताज की धूमिल होती छवि को देखते हुए पर्यटकों के लिए टिकट विंडो को खोल दिया है। पिछले दिनों ऑफलाइन टिकट की विंडो को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार देसी विदेशी पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि टिकट के मूल्य से अधिक उन्हें भुगतान भी करना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत भी कई बार की जा चुकी है। पुरातत्व विभाग और अधीक्षक राजकुमार पटेल ने ऑफलाइन विंडो को खुलवा दिया, जिससे निश्चित रूप से पर्यटकों को राहत मिली है। मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइन पुलिस ने नकली शराब का कारोबार करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग को गिरफ्तार किया। हजारों की संख्या में रैपर, ढक्कन, होलोग्राम सहित नकली शराब बरामद की है, जिसमें एसपी सिटी ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। आप सभी लोगों को अवगत कराना है, आज थाना सिविल लाइन पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने एक शराब तस्कर का जो गिरोह था उसका भंडाफोड़ किया है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पिछले कुछ सालों में यहाँ मुजफ्फरनगर में शराब पे और भी कई बड़ी कार्रवाई हुई है। उसी श्रृंखला में हम लोग इन लोगों पे भी नज़र बनाए हुए थे, और जैसे ही सूचना मिली कि ये लोग फिर से संलिप्त हो रहे हैं, उन पे हमने ये कार्रवाई की है। और इसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, राजीव गोयल, उज्ज्वल शर्मा, तरुण कुमार, विक्रांत नुंगल, मनमोहन सिंह। इसमें राजीव, उज्ज्वल और तरुण जनपद मेरठ के रहने वाले हैं, और विक्रांत और मनमोहन जनपद गाजियाबाद के रहने वाले हैं। अवैध कब्जों को लेकर योगी का बुलडोजर इन दिनों सुर्खियों में है। रोज कहीं ना कहीं योगी के महाबली के द्वारा आलिशान बिल्डिंगों को जमीन के बराबर समतल करने का काम किया जा रहा है। वही अलीगढ़ में योगी के महाबली के द्वारा प्रशासन की मौजूदगी में 40 साल पुराने अवैध कब्जे को मुक्त कराकर गाँव में जल भराव की समस्या से मुक्ति दिलाई गई। से चला आ रहा है तालाब कब्जे का और एक पानी जल भराव का, जिसमें आज 14/5/2022 में पानी विकासखंड गोंडा से समस्त अधिकारीगढ़ संजय सिंह प्रधान शामगढ़ी ग्राम पंचायत शामगढ़ी के नेतृत्व में 40 वर्षों से विगत चले आ रहे विवाद का निस्तारण किया गया, जिसमें तालाब व नाली का निस्तारण करके जल भराव की समस्या का निस्तारण किया गया। गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में शहर में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा की। वहीं बरसात में जल जमाव की समस्या के लिए गोढ़ोया नाले की सफाई और बरसात से पहले उसके निर्माण कार्य की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस नाले के सैकड़ों वर्षों से कभी सफाई भी नहीं हो पाई है।
विकास के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा न हो, इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। श्रावस्ती के नवीन मॉडल और थाना अंतर्गत कोरिया टेंपल के पास दो बाइकों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे एक महिला सहित तीन लोग बुरी तरह से घायल हो गए। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सीएचसी भर्ती कराया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।